फ्रेंड्स, कायना किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे चने का निमोना। आपने हरी मटर का खाया होगा, आज हम बनाते हैं हरे चने का। ये भी बड़ा टेस्टी ही होता है। इसको अब हम मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेंगे। इसको हम उसमें ट्रांसफ़र करते हैं मिक्सी के जार में। ये बिना पानी के पीसिएगा, इसको ग्राइंड करना है, नहीं तो पानी हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है, तो हम एक बार पीस के दिखाते हैं कैसे पीसना है। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे दरदरा पीस लिया है। बस एक से दो बार मिक्सी को हमें चलाना है और ये पीस जाएगा बहुत ही इजी तरीके से बिना पानी के। और अब हम इसको आगे का प्रोसेस बताते हैं कि कैसे क्या करना है। ये देखिए, हमने जिसमें हरे चने ग्राइंड किए थे, पीसे थे, अब उसी में मैंने हरी मिर्च दो या तीन, जैसा भी आप तीखा खाते हो, और अदरक के टुकड़े छोटे से ले लिए, दो टुकड़े कर लिए, और 15 से 20 लहसुन की कलियां ले ली। अब हम इसको मिक्सी में पीस देंगे अच्छे से। अब हमने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के टमाटर ले रखे हैं। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे एकदम महीन ग्रेवी बनाने के लिए। तो हम इसको एक मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने टमाटर मिक्सी में पीस लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस बताते हैं कि देखिए, यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। उसको अच्छे से छिल के वॉश करके मैंने इतने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। सब्ज़ी जब भी कोई भी बनाइए तो उसकी कटिंग पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा काटने के तरीके से सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा अलग आता है, डिफरेंट आता है। तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है। इतने बड़े बड़े मीडियम साइज़ में कट करने हैं। और अब हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में, कढ़ाई में। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारे यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पे सरसों का ऑयल या जो भी आप ऑयल खाते हो, जैसे ये सरसों के ऑयल में टेस्ट अच्छी आएगी। मैं ज़्यादातर सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये देखिए, हमारा कढ़ाई में ऑयल मैंने डाल दिया था 2 से 3 बड़े चम्मच। अब ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे बरी ऐड करेंगे, उड़द की दाल की। बहुत से लोग मूंग की दाल का बनाते हैं, ये उड़द की दाल की है। ये निमोनिया के साथ बहुत ही, हरे निमोने के साथ या हरी मटर के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। हरे चने मटर ये सब आप जो बनाते हैं, ये कई चीज़ों में डालते हैं, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। इसको बस हल्का सा भून लेंगे हम, फ्राई कर लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम इसी तेल में ही आलू फ्राई कर लेंगे। आलू बस हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आलू का टेस्ट कच्चा नहीं लगेगा और खाने में अच्छा लगेगा। इसको अच्छे से लाल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, मीडियम लाल करना है, रेड रेडिश टाइप का जला लेंगे। ये देखिए, अब हमारे हल्के आलू ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम उसी ऑयल में ही फिर से हरे चने जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड किए थे उसको अच्छे से भून लेंगे। ये जब तक भूना नहीं जाता है इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो इसको देखिए, अब हम पूरा इसमें डाल लेंगे और आपको भूनते टाइम पता चल जाएगा कि इसका कलर चेंज हो जाता है, सोंधापन आता है थोड़ा। तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसको बराबर चलाते रहना है ताकि ये नीचे से पकड़ ना ले, क्योंकि ये बहुत जल्दी पकड़ भी लेता है। मीडियम लो रखना है, हमारी गैस की फ्लेम मीडियम लो रहेगी। और मटर, हरे मटर की चने की निमोनिया और इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। हरे मटर की निमोनिया में बहुत चेंज होता है टेस्ट में, और इसके चने मटर निमोनिया में बहुत चेंज होगा टेस्ट में। ये देखिए, हल्का हल्का चेंज हो रहा है।
अभी हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक हमें अच्छे से भूनना है। इसका कलर आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये चेंज हो चुका है। ये अभी थोड़ा अभी और हम भूनेंगे। ये देखिए अब हमारे ये कलर चेंज हो गया है हरे चने का जो मैंने पीसा था निमोना। अब हम इसको निकाल लेंगे। हल्का सा ब्राउन हो गया है अलग प्लेट में। ये देखिए अब हमने इसमें थोड़ा सा और सरसों का ऑयल ऐड किया है 2 चम्मच बड़े। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे 2 तेज़पत्ते। इसको हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग टेस्ट के लिए अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। 1 से 2 1.5 जैसा भी आप, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है इसमें हींग, तो 1.5 चम्मच छोटे। अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक मिर्चे का पेस्ट जो हमने पीस रखा था। अब इसको हम चलाएंगे। इसको एक से दो मिनट तक हमें भूनना है। हल्का सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये चिपके ना। इसको हम ऐसे चलाएंगे ताकि ये चिपके ना, इसलिए हम इसमें पानी ऐड करते हैं। और इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। इसकी खुशबू से ही पता चल जाएगा कि ये भून चुका है। अब ये देखिए हमारा लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जो हमने पीसा था। ये देखिए इसको भी अब हम हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए अब हमारे ये टमाटर भुन गए हैं। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 चम्मच। और गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच 1.5 चम्मच जैसा भी, अगर घर का है तो 1 से 1.5 चम्मच, बाहर का है तो 2 से 2.5 चम्मच। तो घर के थोड़े तेज़ होते हैं मसाले। तो अच्छे से हम भून लेंगे। आपको देखने में लग रहा होगा कि हमारा ऑयल अपने आप ऊपर आ जाता है। कोई भी मसाला अगर हम भूने तो भूनने का तरीका यही होता है कि हमारा ऑयल मसाले के ऊपर आ जाता है। अगर अच्छे से भूने वो ऑयल ऊपर आ जाता है, उसी का एक आइडिया मिल जाता है कि अब हमारा मसाला भून चुका है। ये देखिए हमारा हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ चुका है। ये अब हमारा मसाला पूरी तरीके से भून के रेडी है। अब हम इसमें जो आलू और चने का पेस्ट भुने थे वो डालेंगे और बड़ी ऐड करेंगे उड़द की दाल की। देखिए गैस की फ्लेम आपको हमेशा मीडियम टू लो रखना है। हाई रखेंगे तो मसाला भुन तो जल्दी जाएगा बट वो टेस्ट और वो खुशबू नहीं आएगी और वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा कोई भी चीज़ बनाने में, सब्ज़ी बनाने में। मसाले भूनने में तो सबसे ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। देखिए अच्छे से इसको मसाले में लपेट जाए हमारा। और एक तरफ हमें अपना गरम पानी रखना है गरम करने के लिए, क्योंकि इसमें जब हम पानी ऐड करेंगे, अभी मैं आगे बताती हूँ, तब तक मैं अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आप नमक कम तेज जैसा खाते हैं। मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिला लेंगे। हाँ तो हम ये बता रहे थे कि गर्म पानी आपको इसलिए डालना है ताकि जो सब्ज़ी जो हम बनाते हैं वो तो गर्म पानी में अगर आप बना रहे हैं तो उसका टेस्ट अलग जाएगा। एक तरफ आप गर्म पानी करके डालिए, उसका टेस्ट अलग आएगा सब्ज़ी का। हर सब्ज़ी में गर्म पानी नहीं डलता है, कुछ सब्ज़ियों में गर्म पानी डालेंगे उसका टेस्ट एकदम अलग आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर नॉर्मल डालेंगे तो वो बिल्कुल ही टेस्ट आपको समझ में आ जाएगा। आप ट्राई ज़रूर करिए गर्म पानी और नॉर्मल पानी डाल के। ये देखिए अब हम इसमें गर्म पानी धीरे धीरे ऐड करेंगे। ये हमने पूरा ऐड कर दिया गर्म पानी। इससे टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है।
खाने में मज़ा भी आता है। ये देखिए बिल्कुल मेरी सब्जी का कलर देखिए बिल्कुल ही अलग है। ये हरे मटर के चने हरे मटर के निमोना से बिल्कुल ही अलग होता है। देखिए अब इसको हम हल्का सा बॉयल आने तक 5 से 10 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे। इसको बॉयल होने देते हैं। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, मीडियम टू लो पहले हम रखे थे, अब हम मीडियम रखेंगे, हाई बिल्कुल मत रखिएगा। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि आलू हमारा पक जाए। ये देखिए अब हमारा ये हरे चने का निमोना बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आलू हम कट करके देख लेते हैं ये हमारा पक गया है या नहीं पका है। ये देखिए हमारा आलू अच्छे से पक गया है और अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा हरे चने का निमोना बनके रेडी हो गया है। इसमें अगर आप घी खाते हैं तो आप घी ऐड कर लीजिएगा। मुझे घी डाल के अच्छा लगता है तो मैंने घी ऐड कर लिया है थोड़ा सा। और इसको राइस के साथ आप खा सकते हैं। ये देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इसको राइस के ही साथ खाते हैं, वैसे राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है राइस चावल। आप रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए डिश के साथ। बाय। I can't say you can get